हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड स्टोरी फ्रॉम ट्रेजर चेस्ट। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द मॉडल मिलियनेयर। अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो यूज इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। जब तक कोई वेल्दी नहीं होता, मतलब जब तक किसी के पास पैसा नहीं होता है, तब तक कोई भी उसका अच्छा फ्रेंड नहीं होता। ये बात तो आपको भी पता है ना। रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। रोमांस करना ये जो है ये बड़े लोगों का ही काम है, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। ये जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता, उसको ये भी हक नहीं होता कि वो किसी को प्यार करे। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक। पुअर लोगों को जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव ए परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग। लोगों को सपने देखने से अच्छा है कि उनके पास एक परमानेंट इनकम का सोर्स हो। These are the great truths of modern life which Hugues Erskine never realized। ये जो है ये modern life के truth थे जो Hugues नहीं उसको जो है realize करता था, मतलब वो नहीं समझ पाता था। Poor Hugues intellectually we must admit he was not of much importance। वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाता था, इन चीज़ों को बहुत अधिक importance नहीं देता था। He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life। उसने अपनी लाइफ में कभी भी ना तो बहुत अच्छी चीज़ें की थी और ना ही कोई बुरी चीज़ें की थी। But then he was wonderfully good looking, but his crisp brown hair, वो अच्छा लगता था, but his crisp brown hair, his clear cut profile and his grey eyes। उसकी क्या थी, brown hair थे, clear cut profile थी और उसकी grey eyes थी। He was as popular with men as he was with women। वो men और women के बीच में popular था। And he had every accomplishment except that of making money। वो सारे काम करता था, बस वो पैसे नहीं कमा पाता था। His father had bequeathed him his cavalry sword। उसके पापा वसीयत में उसको अपनी एक तलवार दे गए थे। And a history of the peninsular war in 15 volumes। और पेनिनसुलर वॉर की हिस्ट्री दे गए थे, जिस जो 15 वॉल्यूम्स थे, जिसके 15 पार्ट थे। ह्यूजी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास बट द सेकंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन। ह्यूजी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास। पहले ही उसने जो है अपने ग्लास से, मतलब जिसमें शीशे में वो अपना फेस देखता था, उस पर रखी हुई लगा दी थी। एंड द सेकेंड ऑन ए शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन। और दूसरी चीज़ जो है वो एक शेल्फ पे रख दी थी। एंड लिव्ड ऑन 200 ए ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, जो एक ओल्ड आंट ने उसको दी थी। ही हैड ट्राइड एवरी थिंग, वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ आजमा चुका था। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months। 6 महीने के लिए उसने एक स्टॉक एक्सचेंज का काम किया। But what was a butterfly to do among bulls and bears? लेकिन उसको ये लगा कि वो ये bulls और bears के बीच में what was a butterfly, मतलब bulls और bears के बीच में वो एक butterfly है, मतलब वो कुछ कर नहीं सका उनके बीच में। He had been a tin merchant for a little longer. He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired of Pico and Souchong. वो जो है कुछ दिनों के लिए टी मर्चेंट भी बना, लेकिन वो जल्दी ही पिको और सौचोंग इनसे जो टायर्ड हो गया, मतलब वो जल्दी इस काम से भी उब गया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। फिर उसने जो है वो ड्राई शेरी, मतलब वाइन बनाने का जो सामान था, वो शुरू किया। दैट डिड नॉट आंसर, द शेरी वॉज ए लिटिल टू ड्राई, मतलब वो भी काम नहीं बना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गई, मतलब वो भी काम उसने छोड़ दिया। Ultimately, he became nothing, delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. Last में वो कुछ भी नहीं बन पाया, बस ये था कि वो अच्छा इंसान था लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। To make matters worse, he was in love. उसको क्या हो गया, प्यार हो गया। The girl he loved was Laura Merton. गर्ल का नेम क्या था, लॉरा मैरटॉन, द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कॉलोनल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया। एक रिटायर्ड कर्नल से, उस कर्नल की बेटी से उसको प्यार हो गया।
वो कर्नल कैसे थे, बहुत ही मूडी थे, क्योंकि वो अपना टेम्पर जो है, मतलब अपना सारा नेचर वगैरह इंडिया में ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया में लॉस्ट कर आए थे, एंड हैड नेवर फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन। और उनको अपना टेम्पर जो है वो फिर दोबारा, मतलब उनको अपना वो टेम्परामेंट वाला नेचर दोबारा वापस नहीं मिला। लॉरा एडोर्ड हिम एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग। लॉरा उसको बहुत प्यार करती थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग, मतलब कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दे वेयर द हैंडसम कपल इन लंडन, वे लंडन के हैंडसम कपल थे, एंड हैड नॉट अ पैनी पीस बिटवीन देम, लेकिन उनके बीच में कुछ भी नहीं था, एक पैनी भी नहीं था। द कॉलोनल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूजी बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट। कॉलोनल जो था वो ह्यूजी को बहुत चाहता था, लेकिन उसने भी इंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। कम टू मी माई बॉय, उसने कहा बच्चे इधर आओ, वैन यू हैव गॉट 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट। ही यूज टू से, वो ये कहता था कि जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो जाएंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे। एंड ह्यूजी लुक्ड वेरी ग्लूम ऑन दोज डेज, ह्यूजी जो है उन दोनों बहुत दुखी दिखता था, एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन, और फिर वो लॉरा के पास जाता था क्योंकि लॉरा उसे सांत्वना देती थी। वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मेल्टन्स लिव्ड, ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज। जब वो हॉलैंड पार्क की ओर जा रहा था, ही ड्रॉप्ड, इसने अपना एक मित्र देखा, एलन ट्रेवर उसका नाम था। ट्रेवर वॉज ए पेंटर, वो एक पेंटर था, बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट आर रादर रेयर, वो जो है एक आर्टिस्ट भी था। पर्सनली ही वॉज ए स्ट्रेंज रफ फेलो विद ए फ्रेकल्ड फेस एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड, वो जो है वो बहुत रफ सा था और उसका चेहरा भी खुरदुरा था, दाढ़ी भी उसकी वैसी ही थी। हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वॉज ए रियल मास्टर, लेकिन जब अपने हाथ में ब्रश ले लेता था वो एक मास्टर बन जाता था। एंड हिज पिक्चर्स वे आर ईगरली सॉट आफ्टर, और उसकी पिक्चर जो वो देखने लायक होती थी जो वो चित्र बनाता था। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाई ह्यूजी एट फर्स्ट, ह्यूजी ने जब उसको देखा था तो बहुत अट्रैक्ट हुआ था। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड इंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से आर पीपल हु आर ब्यूटिफुल, पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज। एन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, द ओनली पीपल ए पेंटर शुड नो, वही एक इंसान था जिसको वो पेंटर जानता था। ही यूज टू से आर पीपल हु आर ब्यूटिफुल, पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एन इंटेलेक्चुअल रिपोज, टू टॉक टू मैन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड, जो लोग सुंदर होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, जो जेंट्स और लेडीज़, वही जो है वो रूल करते हैं वर्ल्ड पे, वो ऐसा मानता था पेंटर। एट लीस्ट दे शुड डू सो, हाउएवर आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूजी बेटर, ही लाइक्ड हिम क्वाइट एज मच फॉर हिज ब्राइट विवांट स्पिरिट्स। वो उसको क्यों पसंद करता था उसका पेंटर फ्रेंड, क्योंकि उसकी बहुत विश्वास पात्र था वो, एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर, और उसके लापरवाह व्यवहार के लिए, एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो, और उसने उसको कहा था कि वो जब चाहे उसके स्टूडियो में आ सकता है। व्हेन ह्यूजी केम इन ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस एज ए वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बेगर मैन, जब वो ह्यूजी अंदर आया, ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस टू ए वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बेगर मैन, वो एक भिखारी आदमी की पिक्चर को जो है वो फाइनल टच दे रहा था। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इन ए कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, वो भिखारी भी जो है स्टूडियो के कॉर्नर में खड़ा था। ही वॉज ए वाइजेंड ओल्ड मैन, वो जो है एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, विद ए फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, ऐसे लग रहा था जैसे कपड़ों पर रिंकल सिकुड़ नहीं पड़ जाती, उस तरह से उसको लग रहा था कि उसके फेस पे बिल्कुल रिंकल पड़े हुए, एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उसको देख के बहुत ही दया सी आ रही थी। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग ए कोर्स ब्राउन क्लोक, उसने जो है एक पुराना बहुत फटा सा कोट पहना हुआ था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स
दिस थिक बूट्स वेयर पैस्ट एंड कॉबल्ड, उसके शूज जो है उनमें कई तरह के पैच लगे हुए थे और सिले हुए थे। एंड विद वन हैंड ही लीन्ड ऑन ए रफ स्टिक, वो एक स्टिक पे झुका हुआ था एक हाथों से। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म्स, और दूसरे हाथों से वो अपनी फटी हुई हैट को संभाले हुए था। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विस्पर्ड ह्यूजी एज ही शूक हैंड्स विद हिज फ्रेंड, जब उसने अपने फ्रेंड से हाथ मिलाया उसने कहा क्या अमेजिंग मॉडल है। एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, उसने चिल्लाया कि अमेजिंग मॉडल, आई शुड थिंक सो, सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे, ऐसे भिखारी हैं जिन्हें हमें रोज़ मिलना भी नहीं चाहिए। अ लिविंग वेल एक्सक्यूज, ये क्या थी, एक ये स्पेन की जो है वो एक सरनेम होता है स्पेन में, वेल एक्सक्यूज। माई स्टार्स, वॉट एन एचिंग रेम्ब्रांड वुड हैव मेड ऑफ हिम, पुअर ओल्ड चैप, सैड ह्यूजी, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून। ह्यूजी ने कहा कि वो कितना गरीब आदमी, कितना बूढ़ा गरीब आदमी कैसे लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका फेस ही जो है उसका फॉर्च्यून है। सर्टेनली, रिप्लाइड ट्रेवर ने कहा, हाँ, यू डोंट वॉन्ट ए बेगर टू लुक हैप्पी डू यू, क्या तुम नहीं चाहते कि एक भिखारी खुश दिखे। हाउ मच डज ए मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्क्ड ह्यूजी, ह्यूजी ने कहा कि अगर एक मॉडल यहाँ बैठा उसको कितना मिलता है। एज ही फाउंड हिमसेल्फ ए कम्फर्टेबल सीट ऑन ए दीवान, ए शिलिंग एन आर, वो कहता है कि उसको जो है एक घंटे की एक शिलिंग मिलती है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर एनी पिक्चर, एलन कहता है, और तुम्हें कितने मिलते हैं एक पिक्चर के लिए। ओ फॉर दिस आई गेट 2000, कहता है मुझे 2000 मिलते हैं, 2000 पाउंड। जीनियस पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट जीनियस, ये सारे हमेशा बहुत बुद्धिमान होते हैं, पेंटर्स, पोएट्स और फिजिशियंस। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव ए परसेंटेज, क्राइड ह्यूजी लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, कहता है कि मुझे लगता है कि इन मॉडल्स को भी तुम्हारी पेंटिंग में से परसेंटेज मिलना चाहिए, क्योंकि जितना हार्ड वर्क तुम करते हो ये भी करते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस, व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस इज, इट इज ऑल वेरी वेल ह्यूजी फॉर यू टू टॉक, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ द मैनुअल लेबर, बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी स्मोक ए सिगरेट एंड कीप, वो कहता है कि नॉनसेंस बातें मत करो, ये यहाँ पे पूरे दिन खड़े रह के जब ये पेंटिंग बनानी पड़ती है ना फिर पता चलता है। और वो कह रहा है कि लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट, एक सिगरेट ले लो, चलाओ और चुपचाप बैठो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम, उसने कहा फ्रेम मेकर तुमसे बातें करना चाहता है। एक सर्वेंट अंदर आया, डोंट रन अवे ह्यूजी ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, वो कहता है कि जैसे ही चला जाएगा मैं आ जाऊँगा, तुम जाना मत। एंड द ओल्ड बेगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट ऑन ए वुडन बेंच दैट वॉज बिहाइंड हिम, वो बूढ़ा आदमी जो अपनी पिक्चर बनवा रहा था वो जब ट्रेवर बाहर गया तो उसने क्या किया, वो वहाँ पर वुडन बेंच पर जाके वो आराम करने लगा। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेस्ट, वो इतना दुखी और अकेला लग रहा था दैट ह्यूजी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, कि मतलब ह्यूजी जो है कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, उसकी सहायता नहीं कर पाया उसको दया दिखाने के लिए। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं उसको दया ना दिखाऊं, और उसने देखा कि उसकी पॉकेट में जो भी था, ऑल ही कुड फाइंड वाज ए सॉवरेन एंड सम कॉपर्स, पुअर ओल्ड फेलो, उसके जेब में कुछ सिक्के थे, क्वाइंस थे। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से, ही वांट्स इट मोर देन आई डू, उसने सोचा मैं इतना ही कर सकता हूँ, बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर ए फोर्टनाइट। एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सॉवरिन इनटू द बेगर्स हैंड, सॉवरिन क्या होते हैं, सिक्के, उसने बेगर के हाथ में वो सिक्के दे दिए, स्टूडियो के उस तरफ गया और बगैर हाथ में सिक्के दे दिए उसके जब में जितना भी था। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप, उसके सूखे हुए होंठों पे एक स्माइल आ गई। थैंक यू सर, ही सेड थैंक यू, बगैर ने कहा थैंक यू सर, उसने उसको धन्यवाद दिया।
ओके स्टूडेंट्स, अब इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।